लेट्स लुक एट एग्रीगेट प्लानिंग इन सर्विस इंडस्ट्री इट इज सिमिलर टू द वी डिवेलप इन मैनुफैक्चरिंग बट इसके अंदर uh, चीज़ ये है कि जो इम्पोर्टेंट कॉस्ट है सर्विस इंडस्ट्री में दैट इज लेबर कॉस्ट वर्कर्स कॉस्ट क्योंकि बाकी uh, इतना उसके अंदर uh, और चीजें का इस्तेमाल कम होता है फॉर एग्जाम्पल इन्वेंट्री की कॉस्ट होगी फॉर uh, अगर हम रेस्टोरेंट को देखें तो उधर पेरिशेबल गुड्स के इन्वेंट्री मेंटेन कर रहे होते हैं लेकिन वो ज़्यादा उसके इन्वेंट्री uh, नहीं होती तो उसकी कॉस्ट इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट कुछ इनकर हो रही होती है लेकिन मेजर जो कॉस्ट है दैट इज वर्कफोर्स की कॉस्ट और उसको मिनिमाइज करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेकिन उसके अंदर ये है कि उसकी शेड्यूलिंग इस किस्म की होनी चाहिए कि एक तो नंबर ज़्यादा ना हो लेकिन दूसरी तरफ कस्टमर सर्विस भी नेगेटिवली अफेक्ट ना हो मीनिंग कि कस्टमर जो आ रहा है इस सर्विस के लिए उसको फौरन सर्विस प्रोवाइड की जाए इस किस्म की शेड्यूलिंग होनी चाहिए कि क्विक रिस्पांस मिले कस्टमर को और वो कस्टमर इस परफॉर्मेंस पर खुश होकर जाए आ, इसके अंदर ऑन कॉल लेबर रिसोर्स मौजूद होती है फॉर एग्जांपल अगर हम एक्डीमियाँ देख लें यूनिवर्सिटीज़ देख लें तो उसके अंदर सर्विस प्रोवाइड की जा रही होती है रेगुलर फैकल्टी होती है फुल टाइम फैकल्टी या कॉन्ट्रैक्ट पे फैकल्टी वो अपना काम कर रही होती है लेकिन अगर कोई कोर्सेज एक्स्ट्रा हो जाए तो फिर उसके लिए हम विजिटिंग फैकल्टी को हायर करते हैं उनको लेकर आते हैं दे आर बेसिकली हमारे पास अवेलेबल होती है लिस्ट कि जी ये ये अवेलेबल है ये पढ़ा सकते हैं इस किस्म का कोर्स तो उनको ये दे दिया जाए तो देट इज़ बेसिकली ऑन कॉल लेबर टाइप की हम उसको ले सकते हैं कि वो हमने लिस्ट रखी हुई है लेकिन ये है कि वो एवरी डे या एवरी वीक के हिसाब से नहीं होता वो फिर सेमेस्टर वाइज चलता है देन वर्कर शुड बी फ्लैक्सीबल इनफ कि वो एक की जगह किसी और जगह भी काम कर सकें यानी कि अगर आपकी रिक्वायरमेंट कहीं और ज्यादा आ गई है डिमांड दूसरे एरिया में बढ़ गई है तो कुछ वर्कर्स को उधर शिफ्ट कर दिया जाए फॉर एग्जाम्पल अगेन मैं यूनिवर्सिटी की एग्जाम्पल दूंगा उसके अंदर यह है कि एक फैकल्टी मेंबर है जो सिर्फ से मार्केटिंग uh, के कोर्स पढ़ा सकता है या ऑपरेशंस मैनेजमेंट के कोर्स पढ़ा सकता है दूसरा फैकल्टी मेंबर है जो ऑपरेशन के साथ सप्लाई चेन उसके साथ स्टैटिस्टिक्स उसके साथ मैथमेटिक्स ये सारे कोर्सेज पढ़ा सकता है सो दिस फैकल्टी मेंबर जो ये चार डिफरेंट एरियाज में पढ़ा सक रहा है इज मोर फ्लेक्सिबल देन द वन जो कि सिर्फ एक या दो एरियाज में पढ़ा सकता है क्योंकि अगर इधर रिक्वायरमेंट आ जाए किसी और एरिया में तो हम उसको उधर शिफ्ट कर सकते हैं तो इट बिकम्स फैकल्टी मेम्बर uh, ज्यादा शॉर्ट आफ्टर होगा क्योंकि वो ज्यादा एरिया को कवर कर सकता है तो इसी तरह दूसरी सर्विस एरियाज के अंदर भी वो फ्लेक्सीबल लेबर की रिक्वायरमेंट उसको ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं फ्लेक्सीबिलबिलिटी इन टर्म्स ऑफ रेट ऑफ आउटपुट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्पल रेस्टोरेंट्स में आप जाए uh, अगर रश ज़्यादा पड़ जाए तो जो एक्सपीरियंस वेटर्स हैं वो बड़ा तेज़ काम शुरू कर देते हैं कुक्स जो हैं वो बड़े तेज़ काम शुरू कर देते हैं टाइम uh, वेस्ट कम करते हैं तो उस तरह उनका आउटपुट फ्लेक्सिबल है लो डिमांड है तो वो आप एक नॉर्मल तरीके से काम करेंगे लेकिन हाई डिमांड आ गई तो तेज़ काम करेंगे सो दैट कस्टमर जो है वो uh, उसकी सर्विस अफेक्ट ना हो uh, इसके अंदर अगर हम देखें तो हर जो टाइप है उसके डिफरेंट एग्रीगेट प्लानिंग के रिक्वायरमेंट होती है इधर फाइव एग्जांपल्स हैं जिसको हम डिस्कस करते हैं रेस्टोरेंट्स के अंदर एक चीज तो किया जाता है कि जी ऑप्टिमल जो साइज ऑफ वर्कफ़ोर्स है वो क्या है डिमांड के हिसाब से आपने चेंज करनी होती है तो वो डिटरमिन करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके हिसाब से आप शेड्यूलिंग उसकी करेंगे सेकेंडली कि प्रोडक्शन प्रोसेस जो है वो स्मूथ हो प्रोडक्शन किया है इसमें किचन में जो काम वगैरह हो रहा है प्रोडक्शन हो रही है उसकी डिलीवरी हो रही है टू कस्टमर्स टेबल तो वो बहुत स्मूथ हो उसके अंदर किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना हॉस्पिटल्स uh, के अंदर बेसिकली इट इज़ के जो डिमांड है पेशेंट्स की वो हम मीट करें बाय uh, पैसा जो है इन्वेस्ट करने में राइट जगह पर स्टाफ वो राइट नंबर्स होने चाहिए अवेलेबल सप्लाइज मेडिकल सप्लाइज वगैरह ये सब uh, अवेलेबल होने चाहिए सो दैट पेशेंट्स की जो नीड है उसको हम आराम uh, से मीट कर लें uh, नेशनल चेंज ऑफ स्मॉल सर्विस फर्म्स बेसिकली ये हैं कि ऑयल चेंज की स्मॉल uh, उन्होंने बनाई हुई हैं डिफरेंट सिटीज़ के अंदर होते हैं uh, तो उसके लिए प्लानिंग uh, जो है एग्रीगेट uh, प्लानिंग और uh, दूसरा जो आपके लोकल प्लानिंग ये दोनों आप uh, कर रहे होते हैं कंसिडर इसके अंदर नेशनल लेवल के ऊपर परचेजिंग और उसके सारी प्लानिंग हो रही होती है और लोकल भी आप प्लानिंग कर रहे होते हैं जिसको इंडिपेंडेंट प्लानिंग कहते हैं तो दोनों को देखना पड़ता है कि इसको किस तरह हैंडल किया जाए देन देर आर मिसलिनियस सर्विसेज ट्रांसपोर्टेशन है और दूसरी सर्विसेज हैं तो उसके अंदर दे आर टू गोल्स जिनको हम कंसिडर करते हैं एक ये है कि जो डिमांड है उसको मैनेज किया जाए पीक्स नहीं होने चाहिए उनको इस तरह मैनेज करें कि वो एक लेवल डिमांड बन जाए क्योंकि उसके अंदर फिर ज़्यादा आसानी के साथ आप वर्क फोर्स के साथ काम कर सकते हैं वरना पीक के अंदर आपको हायरिंग और फायरिंग का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी और इस तरह मेथड्स डिज़ाइन किए कि वो जो आपका लेबर वर्क फोर्स है वो जो रिसोर्स अवेलेबल है वर्कफोर्स के हिसाब से वो हम फुली uh, यूटिलाइज कर सकें इवन ड्यूरिंग लो डिमांड पीरियड तो एक तो है कि डिमांड आप कोशिश करें कि वो लेवल हो जाए दूसरा है कि हम लो डिमांड पीरियड के अंदर भी उनको फुली यूटिलाइज कर सकें सो so, ये बेसिकली रिक्वायरमेंट uh, है मिसलेनियस ट्रांसपोर्टेशन वगैरह जैसे इंडस्ट्री के अंदर एयरलाइन इंडस्ट्री फिफ्थ वन इज एयरलाइन इंडस्ट्री इट इज वेरी कम्प्लिकेटेड इसके जो एग्रीगेट प्लानिंग होती है एग्रीगेट uh, प्लानिंग के अंदर एक तो शेड्यूलिंग होती है कि फ्लाइट्स जो जितने भी हब्स हैं इस एयरलाइन के उसमें से कितने आ रहे हैं और कितनी फ्लाइट्स जा रही होंगी दैट इज उसकी शेड्यूलिंग नंबर ऑफ फ्लाइट्स ऑन ऑल राउट्स कौन कौन से राउट्स के ऊपर कौन कौन सी फ्लाइट्स जारी होंगी दैट इज इम्पोर्टेंट उसकी शेड्यूलिंग इम्पोर्टेंट है नंबर ऑफ पैसेंजर्स टू बी सर्विस ऑन ऑल फ्लाइट्स हर फ्लाइट के ऊपर कितने पैसेंजर्स होंगे उनकी सर्विस उनके लिए खाने का बंदोबस्त उनके लिए uh, जो स्टाफ है उसकी अवेलेबिलिटी एंड सो ऑन टिकटिंग का काम ये सारा का सारा उधर होगा नंबर ऑफ एयर पर्सनल जो कि पायलट है एयर होस्टेस वगैरह हैं वो उनकी शेड्यूलिंग और ग्राउंड पर जो पर्सनल हैं हर हब में या हर एयरपोर्ट पर उनकी शेड्यूलिंग कि जी टिकटिंग के लिए वो आपको वो देना है तो ये सारा उसमें उनकी शेड्यूलिंग दैट इज़ आल्सो वेरी इम्पोर्टेंट और फिर ए, कितनी सीट्स किस क्लास के अंदर एलोकेट होनी चाहिए दैट इज़ अनदर वेरी इम्पोर्टेंट टास्क उसकी शेड्यूलिंग वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो ये जो एयरलाइन का ये अच्छा खासा कंप्लिकेटेड होता है और उसके लिए फिर ये एग्रीगेट प्लानिंग लीनियर प्रोग्रामिंग के थ्रू यूज कर कर उसको हम डेवलप करते हैं